चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। आप जानते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मुकदमे में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब 25 जून को दो अपडेट आए। एक के दिन में दिल्ली हाईकोर्ट ने राव सविनय कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई। दूसरा अपडेट था कि रात में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल को हिरासत में ले लिया। ऐसी खबरें चली और फिर उसके बाद स्पष्टीकरण आया कि अभी हिरासत में नहीं लिया है। लेकिन बात कहां से आई, वही दिल्ली की आबकारी नीति वाला मामला है। दरअसल ईडी जांच कर रही है आबकारी नीति के केस में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की और सीबीआई जांच कर रही है भ्रष्टाचार और घूसखोरी की। हिरासत में लेने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और उन्हें आज राव सविनय कोर्ट में पेश किया। इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी और कहा कि एजेंसी उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले भी गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सीबीआई ने अदालत में और क्या कहा, सीएम केजरीवाल ने 16 मार्च 2021 को सचिवालय में मगुंटा रेड्डी से पहली मुलाकात की। मगुंटा रेड्डी सांसद हैं, दक्षिण की राजनीति में बड़ी हैसियत रखते हैं। मगुंटा रेड्डी ने केजरीवाल से मुलाकात की और शराब नीति को लेकर सहयोग मांगा। केजरीवाल ने उन्हें मदद का भरोसा दिया और उनसे आम आदमी पार्टी को फंड मुहैया कराने को कहा। मगुंटा रेड्डी को के कविता से बात करने को कहा गया। 19 मार्च 2021 को कविता ने रेड्डी से संपर्क किया और उनसे हैदराबाद में मिलने को कहा। हैदराबाद में कविता ने रेड्डी से 50 करोड़ रुपए की मांग की। रेड्डी को बताया गया कि वो पहले से ही नई शराब नीति पर काम कर रहे हैं और उनसे इस पॉलिसी पर साथ मिलकर काम करने को कहा गया। ये सब मुख्यमंत्री केजरीवाल की जानकारी और उनके निर्देश पर हुआ, ऐसा ये सीबीआई के इल्ज़ाम हम पढ़ रहे हैं। सीएम केजरीवाल का कहना है कि विजय नायर उनके साथ काम नहीं करते थे बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज के लिए काम करते थे। सीएम केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ करने की ज़रूरत है। वो ये भी नहीं बता रहे हैं कि विजय नायर उनके अधीन काम कर रहे थे या नहीं। सीएम केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया पर डाल दी। कहा कि निजीकरण का आइडिया मनीष सिसोदिया का था और उन्हें आबकारी नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं। ये सब सीबीआई का इल्ज़ाम। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा। जानते हैं उन्होंने क्या कहा। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक मीडिया में चलाया जा रहा है कि मैंने एक बयान दिया है कि मैंने सारा दोष मनीष सिसोदिया के सर पर मढ़ दिया। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैंने कहा था कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आप निर्दोष हैं। ये हम केजरीवाल के रिप्लाईज पढ़ रहे हैं। इनका सारा प्लान हमें मीडिया में बदनाम करने का है। इस कोर्ट में ये रिकॉर्ड किया जाए कि सीबीआई मीडिया में ये सब न फैलाए। ये चाहते हैं कि फ्रंट पेज पर ये हेडलाइन हो कि केजरीवाल ने अपना ठीकरा मनीष सिसोदिया पर फोड़ा। ये टॉप हेडलाइन होगी अखबार की। ये लोग सनसनी फैलाना चाहते हैं। सीबीआई को पूछताछ में मैंने बताया था कि पॉलिसी को लेकर मैंने सिसोदिया को 3 निर्देश दिए। एक, रेवेन्यू बढ़ाना है। 2, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दुकानों से भीड़ कम करनी है। और तीसरा बिंदु, दिल्ली में शराब दुकानों को बराबर प्रपोर्शन में खुलवाना है। अभी 2-3 दिन देखना कि सीबीआई के सूत्र मीडिया में क्या क्या प्लांट करेंगे। कोर्ट ने साफ किया कि मीडिया कई बार छोटे चुनिंदा हिस्सों को लेकर खबरें बनाता है, जो एक बड़ी दिक्कत है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो इस बुलेटिन के लिखे जाने तक सामने नहीं आ पाया। इसके अलावा कोर्ट में क्या हुआ, सुनते हैं वहां मौजूद पत्रकारों को। आखिरकार अरविंद केजरीवाल को राव रेवेन्यू कोर्ट ने 3 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को शनिवार यानी 29 जून को शाम 7 बजे से पहले सीबीआई अपनी जांच पड़ताल के बाद कोर्ट के सामने पेश करेगी। और ये भी बता दिया जाए कि आज सारे दिन जब सुनवाई चली है तो लगभग 4 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली, जिसमें पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से पक्ष रखा गया और उन्होंने कहा कि हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। और उन्होंने बताया कि ये समय गिरफ्तारी का बिल्कुल सोच समझ कर तय किया गया है। जब मुकदमा मेरे खिलाफ 2022 के अगस्त में दर्ज था, तो अभी जब सीबीआई को यह लगा कि ईडी की हिरासत से ईडी के मामले में अब उनको जमानत मिल रही है, तो ऐसे में उनकी जमानत से पहले उनकी जमानत या बाहर आने रिहाई में रोड़ा अटकाने के लिए सीबीआई ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत ऐसा समय चुना है कि अरविंद केजरीवाल बाहर ना आ पाए। और सीबीआई ने जब इस बात की काट की तो अदालत के आगे उन्होंने कहा कि हम इन्हें पहले गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन हमारे पास विकल्प था क्योंकि सबूत हमारे पास काफी पहले से थे। जिन दूसरे सह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनके बयान हमारे पास हैं, अन्य लोगों के बयान और उनके सारे सबूत हमारे पास हैं, लेकिन हमारे लिए मुश्किल ये थी कि उसी समय ईडी ने गिरफ्तार किया था, ईडी के बाद ये हिरासत में थे, इसके बाद अदालत ने इनको चुनाव प्रचार के लिए छुट्टी दे दी थी यानी रिहा कर दिया था, और अब ये सही समय है जिसमें हमने इनको गिरफ्तार किया है, क्योंकि अब इससे आगे अगर इनको रखा जाता है तो जांच एक निर्णायक मोड़ की ओर आगे बढ़ाना है। बाकी सारे लोगों के बयान और सारे लोगों के दस्तावेजी सबूत हमारे पास मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल से उसकी तस्दीक करानी है, लिहाजा हमें कम से कम 5 दिन
सीबीआई की हिरासत में अरविंद केजरीवाल को दिया जाए, क्योंकि हमने जेल में भी इनसे पूछताछ की थी और जेल में पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ऐसे गोलमोल जवाब दिए थे। तो ऐसे में आवश्यक है कि मामले की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को कम से कम 5 दिन की सीबीआई हिरासत में दिया जाए, ताकि हम इनसे पूछताछ भी कर सकें, सह आरोपियों के साथ इनका कन्फ्रंटेशन यानी आमना सामना करा सकें, जो दस्तावेजी सबूत हैं उनसे उनकी तस्दीक करा सकें, और जो इलेक्ट्रॉनिक सबूत हमारे पास हैं उससे भी इनका आमना सामना करा दिया जाए, उनके बारे में भी और जानकारी ली जाए, ताकि हम इस पूरे मामले के तह तक पहुंच सकें। साथ ही आम आदमी पार्टी समर्थक दलों और विरोधियों की प्रतिक्रियाएं भी आप सुन लीजिए। सिसोदिया जी की गैर कानूनी तरीके से जो गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अरविंद जी की हुई, तो पूरा इंडिया ब्लॉक थ्रू आउट दिस एंटायर मैटर हैज बीन सपोर्टिंग आम आदमी पार्टी। हमने देखा रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई थी चुनाव के टाइम, तो सारी द एंटायर ऑपोजिशन इज वेरी क्लियर दैट ED and CBI are being made as political tools to finish off the opposition. लेकिन ये लड़ाई कोर्ट के अंदर की लड़ाई हम कोर्ट में लड़ेंगे और पार्लियामेंट की लड़ाई भी हम पार्लियामेंट में ये मुद्दा जरूर उठाएंगे। यार मुझे लगता है कि शराब नीति घोटाले में जितने भी दोषी हैं वो एक तरफ जांच एजेंसी काम कर ही रही है, मनीष सोरिया की गिरफ्तारी और एक अमिता से लगातार पूछताछ चल रही थी, तो शराब नीति घोटाले में ये तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल इसके सूत्रधार हैं और सीधा सीधा उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं तो यही कहूंगा जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और फाइंड आउट सामने आए। इस खबर में जो भी अपडेट्स होंगे ललन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा।